फ्रेंड्स, ये चलिए हम आपको इस दो कलर से फिर से आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताएंगे। और ड्रेस बनाने के लिए हमने ये 11 नंबर सिलाई ली हुई है, और जो हम आपको ड्रेस बता रहे हैं ये 5 और 6 नंबर को आराम से आएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से ड्रेस को आपको बताते हैं किस तरह से हमने ड्रेस को बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने चोली हमने बना ली है, और चोली में हमने देखिए यहाँ पे ये 5 जालियाँ डाली हुई हैं। 5 जालियाँ डाल के हमने ये देखिए बाजू के फंदे घटाए हुए हैं इस तरह से, और चोली हमने इसी तरह से बनाई हुई है जैसे मैं आपको और वीडियो में बताती हूँ, सेम उसी तरह से। ये देखिए, तो इसीलिए हमने ये चोली को पहले ही बना लिया है। मैं इसका आपको घेरा बताती हूँ, घेरा हमने किस तरह से बनाना है। तो देखिए, ये हमने ब्राउन कलर लिया है, चॉकलेटी कलर, इसमें ये ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है पर ये ब्राउन कलर है। तो चलिए हम यहाँ उल्टी तरफ से लगाते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार बता देती हूँ चोली में हमारे फंदे कितने हैं। तो देखिए, हम उल्टी तरफ से, ये हमारे चोली में 30 फंदे हैं, और उल्टी तरफ से हमने ये देखिए इस कलर को लगा देना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसका जो हम आपको घेरा बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको घेरा बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए, उल्टी तरफ से हमने ये इस कलर को लगा लिया है। अब एक सिलाई हम इसी कलर की बनाते हैं, ये उल्टी सिलाई, और इधर से भी हम उल्टी बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, सीधी सिलाई पे हैं हम। ये देखिए, सीधी तरफ से भी हमने इसको उल्टा बनाया है इस तरह से। ये देखिए, अब इसके बाद हमने देखिए यहाँ पे यही कलर को लगाना है, और देखिए इस तरह से पूरी सिलाई को हम इसी तरह से ले जाएंगे, और सीधी सिलाई पे हम इसके फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, उल्टी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। अब हम सीधी सिलाई पे हैं, तो सीधी सिलाई पे देखिए हमने यहाँ से पहला फंदा इस तरह से उतारना है, और धागा आगे करते हुए इस तरह से हमने फंदा बढ़ाना है। ये देखिए, हर फंदे पे फंदा बढ़ाऊंगी जाली डालते हुए इस तरह से। ये देखिए, इसमें हम डोरी भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारी जाली बनती हुई जा रही है, इसमें हम ये देखिए
ये देखिए इस तरह से मैं हर फंदे पे फंदा बढ़ा रही हूँ जाली डालते हुए। तो चलिए हम पूरी सिलाई में इस तरह से यहाँ तक हम लास्ट के एक फंदे तक इस सिलाई पे पूरी पे फंदा बढ़ाते हैं हर फंदे से फंदा। देखिए फ्रेंड्स हमने हर फंदे से फंदा बढ़ा लिया है। अब हमने यहाँ से उल्टी सिलाई पे, ये देखिए उल्टी सिलाई पे हमने फिर से ये चॉकलेटी कलर लगाना है इस तरह से। तो हम इसको भी पूरा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, तो चलिए हम इसको भी पूरा उल्टा बनाते हैं। और आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे हर सिलाई पे फंदा बढ़ाया था इस तरह से। ये जो हमने क्रीम कलर की सिलाई बनाई थी हर फंदे से फंदा बढ़ाया था। अब ये देखिए यहाँ से हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। और हमने तीन फंदे सीधे बनाने हैं, ये देखिए इस तरह से। और फिर अपनी तरफ धागा करेंगे, यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर से हमने धागा आगे करना है, ये देखिए इस तरह से फंदा बढ़ाना है। अब तीन फंदे सीधे, ये देखिए तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। और ये देखिए यहाँ पे हम फिर से फंदा बढ़ा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। फिर हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। ये देखिए तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और एक फंदा बढ़ाया हमने। फिर से हम धागा आगे करेंगे, दूसरा फंदा इस तरह से बढ़ाएंगे। तीन फंदे सीधे, ये देखिए धागा अपनी तरफ, एक फंदा बढ़ाया, फिर से धागा अपनी तरफ, जाली डालते हुए हम फंदा बढ़ा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से जाली हम डालते हुए फंदा बढ़ा रहे हैं। तीन फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे बनाने के बाद में हम दो फंदे बढ़ा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए एक बार और बताते हैं, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, एक धागा अपनी तरफ, दो, दो फंदे हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं। तीन फंदे सीधे, दो फंदे बढ़ाए, फिर तीन फंदे सीधे इस तरह से। दूसरी सिलाई पे हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ तक बढ़ा लेते हैं इनको और उल्टी सिलाई भी हम कंप्लीट करके सीधी सिलाई पे फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स हम सीधी सिलाई पूरी हो चुकी है हमारी। तीन फंदे सीधे बनाए, दो फंदे बढ़ाए हैं, तीन फंदे सीधे बनाए इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ से हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। फंदे हमारे बढ़ चुके हैं, और ये हमारे सारे 70 फंदे हुए हैं। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ से हम डिजाइन बनाएंगे। तो हम यहीं से ही ये देखिए इस तरह से डिजाइन बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से चार फंदे, ये देखिए चलिए पांच फंदे कर लेते हैं। ये देखिए पांच फंदे हमने क्रीम कलर के बनाए, एक फंदा हम उतारेंगे इसी तरह, फिर आगे के हम पांच फंदे क्रीम कलर से बनाएंगे, ये देखिए, और एक फंदा हम उतारेंगे इस तरह से। ये देखिए फंदा उतारा, पांच फंदे क्रीम कलर से, ये देखिए पांच हो चुके,
एक दो तीन चार पाँच, एक फंदा हम उतारेंगे बिगर बुना। इसी तरह से हम पूरी सिलाई बनाएंगे, तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, और देखिए बिगर बुना फंदा एक उतारेंगे इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच। तो चलिए हम इसी तरह से ये पूरी सिलाई बनाते हैं, सीधी सिलाई पे फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई कंप्लीट है, सीधी सिलाई पे हैं हम। अब ये देखिए सीधी सिलाई पे हमने यहाँ से ये देखिए ये पांच फंदे सीधी तरफ से हमने उल्टे बनाने हैं इस तरह से, ये देखिए। और पीछे हम धागा करेंगे, इस फंदे को हम उतारेंगे, धागा आगे करके पांच फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। पीछे धागा, फंदा उतारा, धागा आगे, ये देखिए। इस डिज़ाइन को आप किसी में भी डाल सकती हैं, ये देखिए इस तरह से। पीछे धागा, फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ और पांच फंदे उल्टे, ये देखिए। मैं आपको ये बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, ये देखिए। पीछे धागा हमने फंदा उतार लिया और धागा हमने आगे किया और ये पांच फंदे हमने उल्टे बनाए इस तरह से, ये देखिए। बिल्कुल आसान है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। पीछे धागा, धागा अपनी तरफ, इस तरह से हम सीधी सिलाई बनाएंगे और उल्टी सिलाई हमने इस तरह से बनानी है। ये देखिए, तो चलिए ये सिलाई भी सीधी इसी तरह से बनाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए सीधी सिलाई हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से सीधी सिलाई हो चुकी है। अब हम ये उल्टी सिलाई पे आए हैं, तो उल्टी सिलाई पे हमने ये देखिए चॉकलेटी कलर को लगा देंगे यहाँ से हम उल्टी तरफ से, और पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से ये हम पूरी सिलाई उल्टी इसी तरह से ले जाएंगे और सीधी तरफ से भी हम इसको उल्टा बनाएंगे। इसके बाद हमने फिर से यही डिज़ाइन को बनाना है जिस तरह से हम ये बनाते हुए आए हैं, एक उल्टी सिलाई बनाने के बाद में फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे, पांच फंदे बनाएंगे, एक फंदा हम बिगर बुना बनाएंगे। इसी तरह से हम इसमें डिज़ाइन को घेरे में बनाएंगे पूरा, ये देखिए इस तरह से। ये हम पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे, सीधी तरफ से भी हमने उल्टा बनाना है, ये देखिए ये वाली सिलाई। और फिर से इसके बाद हमने फिर से यही डिज़ाइन को बनाना है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं इसी तरह से, फिर दिखाते हैं आपको बनाने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सातवीं सात सिलाई बना ली है, यानी कि दोनों तरफ से चौदह सिलाइयाँ। अब ये देखिए यहीं से हम अब डिज़ाइन को बंद कर रहे हैं। अब उल्टी तरफ से हम ये देखिए यहाँ से ये देखिए इसी कलर को लगा के
ये देखिए इस तरह से इसमें कंगूरा बनाएंगे। दो फंदे हमने बनाए, तीसरा फंदा ले लिया और यहीं से हम वापस हो गए। ये देखिए इस तरह से चौथा फंदा हमने ले लिया यहाँ से और यहीं से वापस हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से चार फंदे हम बना चुके हैं। अब ये हमने पांचवा फंदा ले लिया और यहीं से हम वापस हो जा रहे हैं। जितना भी बड़ा आपको कंगूरा चाहिए इसमें आप उसी तरह से फंदे आप बढ़ाती जाएं, 10 फंदों का, 15 फंदों का, अपने हिसाब से 6 फंदों का, 4 फंदों का भी ये बन जाता है। ये देखिए सात फंदे हो चुके हैं, यहीं से हम वापस हो गए हैं। अब ये देखिए मैं 10 फंदों का बना रही हूँ। और ये देखिए हम 8वां फंदा ही इसमें ले रहे हैं और यहीं से वापस हो जाएंगे। आठ फंदे हो चुके हैं हमारे पास। अब ये देखिए यहाँ से हम 9वां फंदा ये देखिए और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से और ये हमारा ये देखिए ये 10वां फंदा है। अब ये देखिए हमारे पास 10 फंदे हो चुके हैं। अब यहीं से हम वापस हो जाएंगे और इसी तरह से हम सारे कंगूरे इसमें बनाएंगे। ये देखिए अब ये हम 10 फंदे यहाँ से ये देखिए इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए और फिर से हम ये ही दोबारा से इसी तरह फंदा लेते हुए बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से अब फिर से हम इसी तरह एक फंदा बनाए और यहीं से वापस हो जाएंगे। तो चलिए हम इसी तरह से बनाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स हमने सारे कंगूरे बना लिए हैं इस तरह से, ये देखिए, और काफ़ी बड़ा इसका घेरा बना है। और देखिए हमने क्रोशिया से बाजू पे दोनों तरफ यही चॉकलेटी कलर को लगा दिया है तो हमारी ड्रेस और भी काफ़ी सुंदर बन गई है। ये देखिए
इस तरह से, ये देखिए काफी सुंदर लग रही है, ये देखिए। तो हमारी ये ड्रेस कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।